नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में एस जे ट्रेडर्स में। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को क्या किया। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर बैंक निफ्टी 37,390 के डाउन जाएगा तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 37,250। आप यहां पर चेक कर सकोगे तो उसने लो मारा 37,300, यानी उसने हमारा पहला टारगेट भी अचीव नहीं किया। और दूसरा टारगेट मैंने आपको बोला था कि अगर बैंक निफ्टी 37,650 के ऊपर जाएगी तो उसका पहला टारगेट अपसाइड में आएगा 37,800। आप चेक कर सकोगे कि उसने पहला टारगेट हमारा अचीव कर लिया। कितने बजे अचीव किया उसने? 12:45 पे। आइए देखते हैं अब बैंक निफ्टी टुमारो यानी मंगल सोमवार को क्या कर सकती है। तो ये 50 मिनट का चार्ट है और मैंने जो आपको फ्लैट जोन बताया था, इस फ्लैट जोन को हम थोड़ा चेंज करते हैं मंडे के लिए। तो ये हमारा फ्लैट जोन हो गया। ओके, फ्लैट जोन कहाँ से कहाँ रहेगा हमारा? अगर मंडे को फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी 37,480 और 37,500 के बीच में, और अगर डाउन की साइड में 37,480 ब्रेक करेगी तो उसका पहला टारगेट जो आएगा 37,390 और दूसरा टारगेट आएगा डाउन के साइड में उसका 37,300। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ फ्रेंड्स। और अगर अपसाइड में 37,650 ब्रेक करेगी ये वाला, ओके, अगर 650 ब्रेक करती है बैंक निफ्टी मंडे को तो उसका पहला टारगेट अपसाइड में आ सकता है उसका 37,800 और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 37,900। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है या फिर 37,900 के ऊपर निकलता है और 15-20 मिनट टिक जाएगा तो अपसाइड में ही जा सकता है। और डाउन की साइड में अगर ये लेवल ब्रेक होता है 37,300 और अगर इसके नीचे रुकता है 10-15 मिनट या कंसोलिडेशन करता है तो उसका पहला टारगेट आएगा डाउन के साइड में 37,150। फ्रेंड्स, अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर की संभावना है। अगर मंडे को उसका न्यूज़ क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड होगा। ओके, वन डे के चंदे में देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या होगा। वन डे के चंदे में आप चेक करोगे तो डाउन से ये ट्रेंड लाइन एक जा रही है। कौन सी वाली? ये वाली। और अब साइड से चेक करेंगे हम तो ये भी एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। जब तक इस ट्रेंड लाइन के अंदर रहेगा तब तक बड़ा मूवमेंट नहीं होने वाला, छोटा छोटा थ्रेडी हमको लेना पड़ेगा। ओके, चलो अब देख लेते हैं निफ्टी क्या कर सकती है मंडे को। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बोला था कि अगर ये हमारा फ्लैट जोन मैंने दिया था आपको 70,270 और साइड में 70,350, अगर 70,250 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 70,250। पहला टारगेट आया, सॉरी, मैंने आपको पहला बोला था, मैंने आपको बोला था 70,270 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 70,250 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 70,200। आप चेक कर सकोगे तो उसने पहले 5 महीने के अंदर में दोनों टारगेट उसने अचीव कर लिया। अब देखते हैं कि अपसाइड में मैंने क्या बोला था। अपसाइड में मैंने आपको बोला था कि 70,350 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता था अपसाइड में 70,400। आप यहां पे चेक कर सकोगे तो उसने हाई मारा है 70,300, यानी 70-80% हमारा टारगेट अपसाइड में भी अचीव कर लिया। चलिए अब देखते हैं मंडे को बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले 15 मिनट की चार्ट में जाएंगे और वहां पे फ्लैट जोन ड्रॉ करेंगे फिर से।
थैंक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करके हमें ट्रेड करना है। ओके, हमें फिर से फ्लैट जोन ड्रॉ करना है फ्रेंड्स, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, निफ्टी में ये पूरा लेवल आज निकाल ही देता हूँ। हम पहले से फ्लैट जोन बना लेते हैं, अभी ये रेक्टेंगल ले लिया, अभी हमारा फ्लैट जोन रहेगा ये वाला। ओके, इसी को पकड़ लेते हैं। अगर मंडे को निफ्टी 70,250 डाउन की साइड में और अप साइड में रहेगा 70,310। ओके, उसका क्लोजिंग हुआ है लास्ट फ्राइडे को 70,276 पे। अगर मंडे को 70,250 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट डाउन की साइड में आएगा उसका 70,200, और दूसरा टारगेट आएगा डाउन की साइड में उसका ये वाला लो ले लेते हैं 70,150। और अपसाइड में अगर ये 70,300 ब्रेक करेगा तो उसका पहला अपसाइड में आएगा टारगेट 70,350, और दूसरा टारगेट आएगा उसका 70,000, ये उसका हाई जो है ना 400। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड लाइन पे अपसाइड से डाउन साइड में जा रही है, ये ट्रेंड लाइन रजिस्ट्रेशन ले सकता है। बार बार उसने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिया है 1, 2 और 3 टाइम पे। ओके, 3 से 4 टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिया है। देखते हैं मंडे को ये रजिस्ट्रेशन ब्रेक करता है या फिर से रजिस्ट्रेशन लेकर नीचे आता है, और डाउन से देखते हैं कोई ट्रेंड लाइन बन रही है तो हम फिर से थ्रो करेंगे 1, 2 और 3। ओके, 3 टाइम्स उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, ये उसका रजिस्ट्रेशन जोन है ऊपर वाला, और नीचे वाला जोन कौन सा रहेगा, ये हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। अगर मंडे को इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा, तो डाउन के साइड में आपको 150 पॉइंट मिल जाएगा, और अप साइड में अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो आपको अप साइड में भी हमारा टारगेट अचीव हो सकता है जो मैंने अभी दिया है आपको वो। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं एजुकेशन प्रपोज से ही बनाता हूँ, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह मशवरा ज़रूर लें, और अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।